विद्यार्थियों के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा सप्तम विषय संस्कृत पूर्णांक 80 समय 3 घंटे, देख रहे ना। और यह सेट 1 होगा, और सेट 2 होगा, कितना होगा, सेट 2 होगा। और यह पेपर जो है मैंने डाल दिया है, पहला पेपर इसका, दूसरा पेपर है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। यह पेपर जो है विद्या भारती से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का पेपर एक जैसा होता है बिल्कुल। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकादमी पहला स्थान प्राप्त कर ले, समझ रहे हैं। बहुत शेयर करना है आपको, कई सेट पेपर मिलेंगे, 10, 12, 15 सेट आपको पेपर मिलेंगे, पूरा नवंबर तक पेपर मिलता रहेगा। इसके लिए आपको सेट 2 जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको 15 सेट मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं करना है, देख रहे हैं आप। अठित अवबोधनम इसको पढ़ करके उत्तर देना है, पूरा मैंने पढ़ टिक कर दिया है, पहले एक बार देख लीजिए। गंगाया तीरे एका आश्रमा स्थित, गंगा के किनारे एक आश्रम था, तत्र याज्ञवल्का नाम कुलपति आसित, वहाँ याज्ञवल्क नाम के एक कुलपति थे। एकदा सा गंगायाम स्नानाय आगच्छत, एक बार वह स्नान करने के लिए गंगा के किनारे या गंगा आए, तत्र सा सेन मुखात पतताम भूस्काम अपश्यत, उन्होंने एक काले रंग के मतलब एक मुख से गिरता हुआ एक चूहिया देखा, सा ताम भूस्काम तपोबलेन, उन्होंने उस चूहे को अपने बल से तपोबल से कन्या कृत्वा कन्या करके आश्रम आने आश्रम ले आए। अपत्यहीना नाम सद भार्याम अकथयत, उन्होंने अपने पत्नी से कहा, इमाम उसकायाम अपत्यम परिपालय, इसे बहुत स्नेह से पालिए। एक पद में उत्तर देना है, सब आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। गंगाया तीरे का आसित, गंगाया तीरे एक आश्रम आसित, तत्र का कुलपद आसित, तत्र याग्वल का नाम याग्वल का कुलपति आसित, याग्वल का कुत्र असनाय गच्छत, याग्वल का गंगा असनाय अगछत, याज्ञवल्का कम अपश्यत, याज्ञवल्का मूसिका अपश्यत, देख रहे हैं ना। याज्ञवल्का काम कन्याम अक्रोत, याज्ञवल्का मूसकाम कन्याकाम अक्रोत, काम जगह मूसकाम, यथा निर्देशम उत्तरत अगछत इत क्रियापदम सा, समय ठीक कर दिया, मतलब अगछत साथ सा आएगा। याज्ञवल्का इत कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अस्थ, याज्ञवल्का आसीत, देख रहे ना। वीडियो प्लीज टर्न ओवर, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सा इत पदस्य अर्थम लिखत, देख रहे ना, सा वह पुल्लिंग है। तपोबलेन इत पदे का विभक्ति अस्ति, तृतीय विभक्ति है। रचनात्मक कार्य करना है, मंजूषा पदान चित्वा अधो लिखितम पत्रम पूरयत, इसको पूरा करना है, मैंने यहाँ टिक कर दिया, देख रहे हैं। पहले में अध भरा जाएगा, पहले में क्या भरा जाएगा, अद्य, दूसरे में क्या भरा जाएगा, सिरासी, तीसरे में अगंतुम, चौथे में अवकाशम शिष्या, यहाँ पर भर देंगे, सब खाली है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। फिर है तीसरा मंजूषा पदान चित्वा अधोलिखितम संवादम पूरयत, पूरा संवाद पूरा करना है। पहले में जनामि, दूसरे में संति, फिर तीसरे में अहम, चौथे में जनासी, पचवा शोभनम, पूरा देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है विकल्प बुरा, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ भरना है, ऊपर वाले में भी भरना देख लीजिए, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं छोड़ना है, देख रहे हैं ना। ये शिशु मंदिर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या भरना है, पहले में तड़ागत से भरना है, दूसरे में कमलान भरना है, तीसरे में स्नानम, चौथे में तरंती, पांचवे में जना, एतत पहला है, एतत तड़ागत से चित्रम अस्ति, मतलब यहाँ तड़ाग तालाब का चित्र है, जले दूसरा भरना है, कमलान भी कमल के फूल खिले हुए हैं, तीसरा तड़ागे जनाहा, तीसरा है स्नानम कुर्वन्ति, जलाशय में लोग स्नान करते हैं, जले हंसा तरन्ति, जल में हंस तैरते हैं, ठीक है। तड़ागस तटे जनाह संधि, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अनुप्रयुक्त व्याकरण में पूरा मैंने टिक कर दिया, कविधनिषा कपीसा होगा, प्रतिधने कम प्रत्येकम होगा, गंगा गंगोद उद्गम में संधि विच्छेद करेंगे, गंगा धन उद्गम होगा, रमेशा का संधि विच्छेद करेंगे, रमा धनिषा होगा, ठीक है। समय प्रदत्त विकल्पेभ्या उच्चतम पदम चित्वा स्थानानि पूरयतु, बालिका बालिकाम बालिका बालिकान, दूसरा वाला देख रहे हैं, नदीम नद्यो नदी,
मुनिना मुनिभ्याम मुनिभ्या पिबतु पिबताम पिबंतु भवामि भवामि भवावा भवामः। अपठत अपठताम अपठन सब मैंने टिक कर दिया है। अधो लिखितानाम अंकानाम कृते विकल्पयो उच्चतम संस्कम पदम लिखा, जैसे 28 को क्या कहेंगे अष्टाविंशति, देख रहे ना। फिर है 50 को क्या कहेंगे पंचदशा, कहेंगे कि पंचाशत कहेंगे पंचदशा, पाँच और दस ये 15 हो जाएगा, ये गलत है बच्चे ने क्या पंचाशत करिए, यहाँ इसको इससे जोड़िए, ये गलत है, यहाँ से यहाँ ला दीजिए पंचाशत कर दीजिए। 31 है तो 31 को क्या जोड़ेंगे, 31 को जोड़ेंगे एक त्रिंसत, क्या जोड़ेंगे एक त्रिंसत, यहाँ भी दिया गया है यहाँ भी दिया गया है एक त्रिंसत, ये सही है देख रहे ना। फिर है 24 को चतुर्दशा नहीं ये सही है देख रहे ना, चतुर्विंशत सही है 24 का, 11 का एकादशा सही है, 29 का नवविंशत नहीं इसका भरा जाएगा ये है, एक त्रिंसत 31 को हो गया है, 29 को क्या भरेंगे भाई एक त्रिंसत, एक त्रिंसत 31 का है, 29 को क्या कहते हैं 29 को भरना है नवविंशत, गलत है इसमें देखिए कहीं अष्टविंशत पंचादश चतुर्थ द्वादश एक त्रिंसत पंचाशत एक त्रिंसत नौ त्रिंस 29 एकोन विंशत एकोन त्रिंसत अगर है इसमें कहीं एकोन त्रिंसत एकोन नहीं ये फिर मिस होगा छपा होगा देख रहे हैं, या नौ विंशत लिख सकते हैं नौ विंशत भी सही है देख रहे हैं ना, एक एकोन त्रिंसत होता सही होता है लेकिन नौ विंशत है तो 29 को कहते हैं। अगला है वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप नहीं कहीं से भर दिया गया है, सूर्यम पर्यायवाची भवति दिवाकर कम पंकजम पदस्य पर्याय भवति जलजा पृथ्वी पर्याय किम भवति धरणी, देख रहे ना, लिख धन अनियर भवति लेखनीय पठितुम शब्द भवति पठुधन पठितुम पठधन तुम पठधन तुमुन सब में टिक कर दिया गया, तत्र शब्द से अर्था भवति वहाँ पदत्त विकल्प हो शुद्धम उत्तरम लिखा गा वर्णस गा कंठा लड़ी दंता च ताल पाठ्य एक पढ़ना है आपको, देवेशा अध स्वतंत्रता दिवस देवेंद्र आज स्वतंत्रता दिवस है, अस्माकं विद्यालय प्रचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, छात्र से संस्कृत कार्यक्रम प्रत्योष्यन्ति छात्र सभी संस्कृत कार्यक्रम करेंगे, अंते च मोदकान मिलिष्यन्ति अंत में लड्डू मिलेगा, देविता सुचे बहुत अच्छा जना से तो हम जानते हो अस्माकं ध्वजा की दृशा हमारा ध्वज कैसा है सुचि अस्माकं देश ध्वज ध्वजा त्रिवर्ण इति हमारे देश का ध्वज तीन रंग का है, एक पद अद्ध का दिवस आज कौन सा दिन है अंत कान मिलिष्यन्ति अंत में कौन मिलते हैं देख रहे हैं, इसको आपको लिख लेंगे अद्ध का इसमें जितना मैंने अर्थ बताया, अस्माकं ध्वजा की दिशा अस्माकं ध्वजा त्रिवर्ण मोदकान पदे विभक्ति तृतीया ध्वजा पदे वचनम एक वचन देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है देख रहे हैं ना। अधोलिखित श्लोक में पठित आप इस श्लोक को पढ़ करके उत्तर देना है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडे स्वरत्न संज्ञा विधीयते, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि पृथ्वी में तीन प्रकार के रत्न पाए जाते हैं जल अन्न और सुंदर वचन, मूर्ख लोग पाषाण खंडे इस पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, पृथिव्याम काण रत्नानि पृथ्वी कितने रत्न है त्रीण, मूढ़ केश पर रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ पाषाण खंडेश केश की जगह पाषाण खंडेश रत्न संज्ञा भी देते, त्रीण रत्नानि कानि ध्वजा त्रीण रत्नानि ध्वजा पाषाण खंडेश इति पदे विभक्ति पंचमी देख रहे ना, सुभाषितम पदस्य अर्थ सुंदर वचन, पाठ्यपुस्तकम आधृत्य प्रश्नानाम उत्तरम लिखा लोके वशीकृति का कूर्मस किम नाम आसीत प्रश्नोत्तर लिखना है, तेरहवा में है निम्न रेखांकित प्रदान अधिकृत प्रश्न पूरत प्रश्न बनाना है, समानार्थी मैंने जोड़ दिया कुशला का दक्षा तूषणी मौनम वैद्यम चिकित्सम पशुवा जंतवा
पूरा वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मंजूषा तानी, इसमें नंबरिंग कर दिया गया है, पहले में खट, दूसरे में द्वादश, तीसरे में द्व, फिर अष्टादश, देख रहे ना। अधोलिखित प्रदेश के धावता लिखा दी, लिख धातु है तिष्ठादित, अस्थ धातु है गच्छत, गम धातु है, देख रहे ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।